हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 23 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, ऑन द डेली बेसिस वी डिस्कसेस द इम्पोर्टेंट कोट्स ऑफ वेरियस पर्सनैलिटी, एंड कहीं ना कहीं ये कोट आपको भी पसंद आते हैं, आप लाइक जरूर करते हो और आप भी देखते होंगे। जब हम इस प्रकार के थॉट्स डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ अच्छी बदलाव देखने को मिलती है, जो हमें हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करती है। और कहीं ना कहीं हम जिस भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पर पॉजिटिवनेस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम अपना 100% नहीं दे सकेंगे। इसीलिए अगर हमें अपना 100% देना है तो जो इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर से आनी चाहिए वो आपका जरूर रहना चाहिए। सो दैट अगर आप अप्स एंड डाउन्स झेल रहे हो तो आपके समय में, तो यानी कि जब चीजें सही चल रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी प्रिपरेशन में। लेकिन जब आप लो फील करते हो, जब आप डाउन फील करते हो, तब आपको कहीं ना कहीं यही इंटरनल मोटिवेशन वो ताकत प्रदान करती है जो आपको अपने जर्नी, अपने टारगेट को अचीव करने में मदद करती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत बार ऐसा होता है जहां अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, तो डाउन्स के समय आपका बॉडी, आपका माइंड ही आपका मददगार होता है। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिवनेस से भर कर रखना है, सो दैट अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो वो दिक्कतें हमारा माइंड खुद सॉल्व करने के लिए तैयार हो, ना कि वो हमें परेशान करे। बिकॉज ये ट्रेनिंग की ही एक प्रोसेस है, एंड हमारा माइंड अगर इस तरीके से डिजाइन या ट्रेन हो जाता है तो डेफिनेटली कोई भी चैलेंजेज को हम हंस कर निपटा सकते हैं, उससे हम अलग हो सकते हैं। सो आज के इस कोट में हम डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट कोट है। फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज ए चॉइस। कहने का मतलब ये है कि लेट से कभी कोई चैलेंजेज आते हैं, किसी किसी के बहुत बड़े चैलेंजेज आ सकते हैं, या फिर मान के चलो कि हम अपनी जर्नी में थॉट के लेवल पर चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब अपने आप पर सेल्फ डाउट करते हैं एंड अपने जो मैकेनिज्म है, स्ट्रेटजी पर सेल्फ डाउट करते हैं एंड हमारा बिलीफ सिस्टम टूटने लगता है, तो वो सब कॉमन है, उसी को कहते हैं फॉलिंग डाउन। तो फॉलिंग डाउन एक एक्सीडेंट है, वो आता है और जाता है ना। जैसे समुद्र में एक धाराएं बहती है और वो जो आपका धाराएं हैं या वेव है वो आती हैं जाती रहती हैं, आती हैं जाती रहती है। उसी प्रकार से ये जो आपकी चुनौतियां हैं वो धाराएं ही हैं जो आती हैं जाती रहती है। लेकिन अगर उस धाराएं में आप लगातार दुखित होना शुरू हो जाओगे, स्टेइंग डाउन होना शुरू हो जाओगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, तो फिर आपका मोटिवेशन धीरे धीरे गिरता चला जाता है, टूटता चला जाता है। सो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कभी आपको लेट से कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है तो फिर उसमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन फेनोमेना है जो हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। लेकिन अगर आप सीरियसनेस हो तो आप अपने पढ़ाई को रिगेन कर लोगे, किसी ना किसी दिन मेंटेन हो जाएगी। तो हमें अपने आप को प्रिजन में या जेल में बंद करके नहीं रखनी चाहिए कि हम जो है एकदम 16 घंटे पढ़ लेंगे और अल्टीमेटली ये रूटीन हमारा हमेशा मेंटेन रहेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल हो गए तो सॉल्यूशन भी आपको प्रैक्टिकल दिखने लगेंगी, आपको उतनी ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम प्लान इम्प्रैक्टिकल करते हैं, जो एक दो दिन फुलफिल कर लिया जाता है लेकिन जब नेक्स्ट दिन फुलफिल नहीं किया जाएगा तो हमें दुखित होती है, तो परेशान क्यों होना। हम उस प्रकार के प्रैक्टिकल प्लान को बनाएंगे जो हमें असिस्ट करे, ना कि हमें डेसिस्ट करे, डिरिसिस्ट करे, है ना। तो फिर इस बात को ध्यान रखना है, एंड ऑलवेज कि आपको याद रखना है कि अगर किसी भी प्रकार की थॉट्स परेशान करती हो तो एक एक्सीडेंट है,
आता है जाता है, जस्ट लाइक वेव्स, जस्ट लाइक विंड्स फ्लो करती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन हमें वहां पर अडिग रहना है, हमें वहां पर खड़ा रहना है, हमें वहां से हिलना नहीं है, हम जिस प्रक्रिया में उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें पढ़ाई करनी है एंड लो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, हाई मोटिवेशन ऑलवेज विंस द रेस। सो हमेशा याद रखना है स्टेइंग डाउन इज ए चॉइस, आप चॉइस आपकी है कि आप हमेशा स्टेइंग डाउन रहना चाहते हो या फिर सारी की सारी चुनौतियों को खत्म करके आपने जो सपना देखना है, आपने जो अपने पेरेंट्स के लिए सपना देखा है उस अपने को पूरा करना चाहते हो या फिर लो रहना चाहते हो, फैसला आपको करना है। उठो और फिर प्रिपरेशन में लग जाओ, यही कहीं ना कहीं हमारी टारगेट होनी चाहिए, यही हमारी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ट अप करती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस कोट में इतना ही, लेट्स डिस्कस आवर आर्टिकल। तो बेसिकली आज हम पांच आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कोल गैसिफिकेशन के बारे में, गवर्नमेंट नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन चलाती है और इसके तहत बेसिकली 100 मैट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट 2030 तक अचीव करने का रखा गया है। हम कोल गैसिफिकेशन के बेसिक के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो जो आर्टिकल 1 है यहाँ पर आप देख लो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि ये टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से भी आप लिंक कर सकते हो, बिकॉज कोल गैसिफिकेशन जो प्रक्रिया होता है जिससे हम सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, दैट्स वाई वो इन्वायरमेंट को भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, रादर कि जो आपका ट्रेडिशनल कोल एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया होते हैं उसके बाद गैस में कन्वर्ट करो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मल्टीपल टॉपिक्स को आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा आपका इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है कोल सेक्टर में वो आ सकती है, बिकॉज ये आपका जो मेथडोलॉजी है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं। क्या है कोल गैसिफिकेशन? आपको पता है कि ये जो कोल है वो धरती के अंदर मिलती है। लेट्स से कि ये आपका लैंड है, यहाँ पर ये सरफेस है, यहाँ पर हम लोग खड़ा है और यहाँ पर आपका कोल बेड है, ठीक है। तो बेसिकली आप कोल बेड को एक तो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है कि एक पूरा माइनिंग करो, गड्ढे खोदे, उसके बाद कोल निकालो, उसके बाद उसको यूज करो। लेकिन कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली कोल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं कोल बेड से, यहाँ पर हम करते क्या है तो बेसिकली हम ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करने के बाद इस जो कोल के लेयर है वहां पर हम पाइप सेंड करते हैं और अल्टीमेटली एक पाइप और आती है जो ऑक्सीजन एंड इग्निशन कैरी करती है और यहीं पर इसको बर्न कर दिया जाता है, यानी कोल बेड को ही बर्न कर दिया जाता है कंट्रोल टेम्परेचर विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या होता है, जब ये आपका कोल है जो आपका अभी फिलहाल सब सरफेस में ही है, जब ये बर्न करते हैं तो एक तरफ से ये जो गैस रिलीज होगा, इस गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ये सब होते हैं। तो एक तरफ से आपका बर्न हो रहा है, दूसरी तरफ से ये गैसेस जो हैं आपकी एक्सट्रैक्ट हो रही हैं सरफेस पर और इस गैसेस को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेरियस इक्विपमेंट एंड टूल्स के माध्यम से और फिर इसको यूज किया जाएगा वेरियस फैक्टर, वेरियस इश्यूज के लिए या फिर फॉर एग्जांपल आपका फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशंस आएंगे इन सिन गैस का जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस कोल को हमने बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं किया, इस कोल को हमने अंदर ही बर्न किया और जो एसेस हैं जो बर्न हुई वो यहीं पर रह जाएंगी और जो गैसेस है वो निकल जाएंगी, तो गैसेस का उपयोग कर लिया जाएगा। तो ये बेसिक हुई आपका कोल गैसिफिकेशन के बारे में, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब हम बात करते हैं कोल गैसिफिकेशन की, तो इसके तहत हम जो कोल है जो आपके सब सरफेस लेयर में मौजूद है उसको हम सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसी को सिन गैस कहते हैं,
ठीक है। और सिन गैस बेसिकली मिक्सचर है आपका हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बात करते हैं हमारे देश को कोल गैसिफिकेशन की जरूरत क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको इको फ्रेंडली मैकेनिज्म फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिन गैस देखने को मिल जाते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज क्लीनर ऑप्शन कम्पेयर टू बर्निंग ऑफ कोल, है ना। तो हम कोल को बर्न करें बाहर में, इससे बढ़िया है कि हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो सिन गैस है वो प्रोड्यूस करें अंडर द सब सरफेस। एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस इसके होते हैं, यानी कि जो सिन गैस प्रोड्यूस होता है कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से, उसका इस्तेमाल सिंथेटिक नेचुरल गैस यानी कि SNG के लिए किया जा सकता है, इनर्जी फ्यूल के लिए किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल एंड इथेनॉल एंड अमोनिया भी इससे एक्सट्रैक्ट की जा सकती है फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, है ना। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल यूज, एनर्जी फ्यूल के रूप में, सिंथेटिक नेचुरल गैस के रूप में, एज वेल एज यहाँ से आपका अमोनिया भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अमोनिया भी बनाया जा सकता है जो फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफी यूजफुल होती है। तो जब इतने सारे मल्टीपल एप्लीकेशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट डिराइव होंगे, तो भारत को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। जितना भारत डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर के ऊपर या फिर आपका एनर्जी फ्यूल के ऊपर, आपको ही पता है कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है एनर्जी फ्यूल के ऊपर इंपोर्ट के मामले में। तो अगर इस टेक्निक का भारी मात्रा में यूज होता है तो डेफिनेटली हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ मूव कर सकते हैं, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का टारगेट भी है। तो एक बेनिफिट ये होगा सेल्फ सफिशिएंसी, दूसरी बेनिफिट ये होगा कि हम जो इंपोर्ट बिल फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द गैसेस एनर्जी फ्यूल, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी होगी। फर्टिलाइजर्स में आपको ही पता है जो पोटैश है वो हम नियरली 100% इंपोर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। एंड अन्य बेनिफिट की बात करें तो देख सकते हो जो अनटैप्ड रिजर्व्स है, अनटैप्ड रिजर्व्स यानी कि वैसे रिजर्व जो बहुत ही ज्यादा डीप है, वहां पर माइनिंग और गड्ढे खोदकर नहीं पहुंचे जा सकते बिकॉज टेम्परेचर, वेरियस डेंजरस गैसेस होती हैं, इसके कारण नहीं पहुंचा जाता। तो उसके लिए ये आपका बेस्ट तरीका होगा कि हम ड्रिलिंग करके जो कोल बेड है उसको सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट कर ले बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन एंड इग्निशन। तो ऐसे में क्या होगा, जो अनटैप्ड रिजर्व्स हैं जहां पर माइनिंग करना, एक्सट्रैक्शन करना कोल का काफी डिफिकल्ट होता है, तो वहां से हम इन रिजर्व्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। देख सकते हो क्या आपका स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है, मोस्ट ऑफ द इंडियाज नॉन कोल डिपॉजिट्स आर नॉन रिकवरेबल, है ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा डीप है या फिर यूं कह सकते हो कि बसाल्टिक प्लेटू के अंदर है, तो नॉन रिकवरेबल है। तो ऐसे में ये टेक्निक आपका अच्छे से मदद कर सकती है सिन गैस प्रोड्यूस करने में। आप फिर देख सकते हो आप अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये इन सारे प्लेंटीफुल रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेंगी दैट आर डीप स्कैटर्ड एंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट। एंड ऐसे में क्या होगा कि हम फॉरेस्ट की भी कटिंग उतना नहीं करेंगे, तो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वो भी होगा, क्योंकि आपको ही पता है अगर हम कोई माइनिंग एरिया में माइनिंग करते हैं तो पहली बात तो जहाँ जंगल फॉरेस्ट जो भी है उसको खत्म करो, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी स्कोप लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें की कंपोनेंट ऑफ द मिशन, तो क्या क्या इस मिशन के अंतर्गत कवर्ड है, तो पहली बात तो जो गैसिफिकेशन पोटेंशियल है कोल फील्ड्स का खासकर नॉर्थ ईस्ट में, उसका अच्छे से मैपिंग करें कि कहां पर गैसिफिकेशन की जा सकती है और कहां से हम सिन गैस एक्सट्रैक्ट आउट की जा सकती है, बिकॉज प्रॉपर मैपिंग होगी तो हमें पास जानकारी होगी और भविष्य में अगर हमें कहीं कोल गैसिफिकेशन से सिन गैस प्रोड्यूस करना है तो हम इन लोकेशन पर बेसिकली अपना सिस्टम लगा सकते हैं और सिन गैस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका इस मिशन के अंतर्गत इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाएगा जो वेरियस फीड स्टॉक्स के लिए सुटेबल होगा। फॉर एग्जांपल लो एस कोल, भारत का जो कोल है वो हाई एस कोल है। हाई एस मतलब क्या होता है, जो पाउडरी सब्सटेंसेस होते हैं जो जब बर्न करती हैं तो काफी ज्यादा एस प्रोड्यूस करती है, तो वो आपका भारतीय कोल में है, ठीक है, तो वो सुटेबल नहीं होता है। तो सुटेबल
टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा वेरियस फीड स्टॉक के लिए, सो दैट लो एस कोल निकाले जा सके एंड कोल मिक्स्ड विद पेट कोक एंड हाई एस कोल एंड सुटेबल बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाएगा फॉर सेटिंग अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि ये जो इंड प्रोडक्ट आपका निकल रहा है इसका अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छा किया जाएगा तो फिर डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं एंड कहीं ना कहीं ये हमारे जो रेवेन्यू है उसमें भी इंक्रीमेंट दिखाएगा एंड कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस स्टेक होल्डिंग मिनिस्ट्रीज एंड क्वांटिफिएबल टारगेट्स वेरियस कंपनीज को प्रोवाइड की जाएंगी एंड जो भी एक्टिविटीज या टारगेट दी गई है उनके इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। क्वांटिफिएबल टारगेट यानी कि जो भी कंपनी जिस फील्ड से रिलेटेड है उनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप इतना अमाउंट जो है वो सीन गैस प्रोड्यूस करना होगा, सो दैट कंपनीज बाइंड हो जाए सीन गैस प्रोड्यूस करने में और ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होगी। अब गवर्नमेंट इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है, खासकर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, ठीक है। तो देख सकते हो मेजर इंसेंटिव्स या पॉलिसी इनेबलर्स रिकमेंडेड कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाई जाती है 400 रुपी पर टन की, ठीक है, ऑन द क्वांटिटी ऑफ कोल कंज्यूम या सोल्ड फॉर कोल गैसिफिकेशन, यानी कोल गैसिफिकेशन के लिए जो कोल कंज्यूम करी जाती है या फिर बेची जाती है उनके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लगाए जाते हैं उसका वेवर दे दे, यानी कि उस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस जो 400 रुपये पर टन का वेवर दे दे, वेवर दे दे यानी कि ये 400 रुपये पर टन आपका नहीं लगा ना पे करना पड़े जो। एंड दूसरा टैक्स हॉलीडे फॉर 15 ईयर्स, यानी कि अगर कोई कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है जो नई नई आई है तो 15 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दे दे, सो दैट जो अपने इन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं उनके लिए जो कॉस्ट उन्होंने बेयर किए हैं तो कॉस्ट को मैनेज कर सके एंड वो तभी मैनेज होगा अगर टैक्स हॉलीडे गवर्नमेंट देती है। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या होगा कि टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट लगती हैं कोल गैसिफिकेशन टेक्निक के लिए उन इक्विपमेंट्स में सब्सिडी दी जाए सो दैट कॉस्ट कम पड़े कंपनीज के लिए एंड अल्टीमेटली वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा सेटअप करे। एंड फिर है आपका इंटरेस्ट रेट सबवेंशन ऑफ 20-30% में भी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन का मतलब ये हुआ कि लेट से कि कोई आपकी कंपनी है अब वो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहती है लेकिन पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है इसलिए इनको लोन लेना पड़ता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट सबवेंशन दे दे कि भाई साहब अगर इंटरेस्ट आपका 100 रुपये लगता है तो हम 20-30 रुपीज एज ए सबवेंशन दे देंगे और बाकी आप पे करो। तो ये सब कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स जो रिकमेंड की गई हैं किया जाए सो दैट हमारे देश में कोल गैसिफिकेशन का जो टेक्निक है उसको बढ़ावा मिल सके क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सेंटर सेट्स टारगेट ऑफ 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट फ्रॉम फिशरीज सेक्टर बाय 2024-25। तो फिशरीज सेक्टर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है आपको भी पता है, लेकिन जब इसके मार्केटिंग की बात करते हैं जब इसके एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डावाडोल की स्थिति है, ठीक है। तो क्या किया जाए कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको फिशीज की ज़रूरत होती है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट और ऐसे में हम उन देशों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली हमारे फार्मर जो इस फील्ड में एंगेज है उनका इनकम में बढ़ोतरी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे देश के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी एंड जो हमने सपना देख रखा है फार्मर के इनकम को डबल करने का वो सपना भी पूर्ण जल्द से जल्द हो सकेंगे। तो इसके लिए सेंटर ने टारगेट रखा है कि 1 लाख करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट फिशरी सेक्टर से हो 2024-25 के पीरियड में,
ठीक है, तो काफी अच्छा टारगेट है। एंड सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है, ये डायरेक्ट टॉपिक में आता है। वैसे आपका देख सकते हो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, एनिमल रियरिंग में आपका वही फिशेस भी आ जाती है, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, तो डायरेक्ट टॉपिक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, तो देख सकते हो वर्ल्ड फिशरीज डे नवंबर 21 को सेलिब्रेट करी गई, और इसी ओकेजन पर गवर्नमेंट ने टारगेट रख दिया है कि जो फिशिंग हार्बर्स है उसको अपग्रेड किया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार, सो दैट जो फिश एक्सपोर्ट्स की जाती है उसके वैल्यू में इजाफा किया जाए, 1,00,000 करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए बाय 2024-25। तो बेसिकली ऐसा गवर्नमेंट कर क्यों रही है, बिकॉज फिशरी जो है आपका फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कंजम्पशन है फिशरीज की, इंडिया में भी कह लो एंड अदर नेशंस में भी कह लो, तो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट तो है ही है, कंजम्पशन डिमांड तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा वीक रही है। तो इस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना है, इसको रियलिटी में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट देनी ही पड़ेगी। एंड फिशरीज आपको न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती ही करती है, साथ ही साथ जब इसकी सेलिंग होती है तो ये इनकम भी प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है टू मोर देन 14.5 मिलियन पीपल। तो आप देख सकते हो 14.5 मिलियन पीपल वो फिशरी सेक्टर से इंगेज्ड हैं, और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 कहता है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी इश्यूज फिशरी सेक्टर फेस करती है। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा फिशिंग सेक्टर है या फिर जो हमारे फिशेस है वो ट्रॉपिकल वाटर वाले फिशेस हैं, और एक दिक्कत ये है कि इनमें हायर ऑयल कंटेंट होती है। अब हायर ऑयल कंटेंट होने के कारण जो वेस्टर्न नेशन से कहीं ना कहीं इनको एज ए फूड यूज करने में कतराते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज लेस डिजरेबल, मैंने आपको बताया, इसीलिए थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है यहाँ पर कम हो जाता है, बिकॉज ट्रॉपिकल फिशेस हैव हायर ऑयल कंटेंट एंड आर लेस डिजरेबल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एसेस टू क्वालिटी सीड। अब क्वालिटी सीड्स की कमी होगी तो जो आपका फिश का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, एंड जो पोटेंशियल है फिश प्रोडक्शन की वो भी अचीव नहीं हो पाती। तो अगर एसेस टू क्वालिटी सीड नहीं होगा तो जो फिश की क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अब क्वांटिटी जो पोटेंशियल है वो ही नहीं प्रोड्यूस हुई, तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। एंड एक्वेटिक पोल्यूशन का भी इश्यूज आता है। तो बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप ली गई हैं टू प्रमोट द फिशरीज सेक्टर। तो पहली बात तो ये कि सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, आपने सुना भी होगा, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा भी होगा, 2019 में सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इसका क्रिएशन किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक स्कीम चलाई जाती है, आपने इस स्कीम के बारे में भी सुना होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में जो गैप है, फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है फिश प्रोडक्शन की और जो एक्चुअल में हम प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली डिफरेंट होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्टिविटी 10 घंटे पढ़ने की है और हम 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब लो प्रोडक्टिविटी है। तो उसी प्रकार से अगर फिश सेक्टर में 100 मेट्रिक टन फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करने की क्षमता है और हम मात्र 50 मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब लो प्रोडक्टिविटी है ना। एंड क्वालिटी कंस्टेंट आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल कंस्टेंट आ जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर चैलेंज है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये सब जो है पेरिशेबल होते हैं एंड अगर इनको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाएगा तो 2-3 दिन में ये खराब हो जाती हैं, और ऐसे में जो भी
इनकम आनी चाहिए, वो इनकम नहीं आएंगी, एंड इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी एक इश्यू है। तो क्या क्या इश्यूज आ गई आप देख सकते हैं, क्वालिटी कंस्ट्रेंट, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन्हीं सब कॉन्स्टेंट को एड्रेस करना चाहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, क्वालिटी इंश्योर करना चाहता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहता है, सो दैट जो फिश के कैचिंग करने की जो टेक्निक है उसमें सुधार लाया जाए, बिकॉज वो भी इको फ्रेंडली हो, एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने की बात है, ये सब है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एंड एक और बेनिफिट आपको पता होगा कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिसके तहत किसान जो है वो आपका क्रेडिट उठा सकते हैं, तो अब जो है ये एग्रीकल्चर फार्मर्स के अलावा फिशरमैन को भी दी जाती है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट उठा सकते हैं, ठीक है, एंड अपने जरूरतों को जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चलाई जा रही है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर, एंड वी हैव द नेशनल पॉलिसी ऑन मेराइन फिशरीज 2017 जो बेसिकली फिशरीज सेक्टर को गवर्न करती है, मैनेज करती है। तो ये हमने आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एडॉप्ट्स रिपोर्ट ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। आपको ही पता है ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है काफी लंबे समय से पेंडिंग है, एंड अब जाके फिर से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने इस पर कुछ डिस्कशन किया है, एंड ये जो आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको भी पता है कि जो पर्सनल डाटा इधर से उधर किए जाते हैं वेरियस बॉडी के द्वारा, फॉर एग्जांपल आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, फेसबुक है, ट्विटर है ना, तो इन सब पर्सनल डाटा का शेयरिंग जो होता है इन पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि डाटा इज गोल्ड आपको भी पता है डिजिटल में, एंड प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न आ जाती है डाटा को लेकर, दैट्स व्हाई डाटा को रेगुलेट करना जरूरी है, वो हम देखेंगे। एंड सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, तो ये जो आपका सिलेबस है आर्टिकल नंबर 3 देख सकते हो, मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड वल्नरेबल ऑफ वल्नरेबल सेक्टर बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्टर आई एम सॉरी। तो आप देख सकते हो ये जो आपका पीडीपी बिल है जिसको हम कहते हैं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडिविजुअल है जैसे हम हैं, आप हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे चीज यूज करते हैं, ठीक है, डाटा प्रोवाइड करते हैं वेरियस कंपनीज को, कुछ पर्सनल डाटा भी होते हैं। पर्सनल डाटा कहने का मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हमारा फिंगरप्रिंट्स, ये सब आपके पर्सनल डाटा है, ठीक है। तो इन पर्सनल डाटा का प्रोटेक्शन किया जा सके अलोंग विद व्हाट, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके, और ये सब जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जजमेंट के बाद आया है, सो दैट राइट टू प्राइवेसी जो कि आपका पुट्टास्वामी जजमेंट में एक फंडामेंटल राइट घोषित की गई थी अंडर आर्टिकल 21, उसको एक कानूनी शेप दिया जा सके। एंड ये जो बिल है वो रिफर की गई थी बेसिकली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को जब पार्लियामेंटेरियंस ने इश्यू जताई थी सेवरल प्रोविजंस को लेकर। तो अब क्या रिकमेंडेशन आई है, पहली बात तो ये कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इंटरमीडियरीज के रूप में नहीं एक्ट करते, जो डायरेक्ट एक प्रकार से इंफॉर्मेशन देते हैं लेते हैं, उनको पब्लिशर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, एंड जो भी वो कंटेंट होस्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर उन्हीं को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, पहली बात तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो फेसबुक या ट्विटर पर लागू होती है, आप देख सकते हो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ऑपरेट करे इंडिया में अनलेस कि जो पेरेंट कंपनी है उस मीडिया प्लेटफॉर्म की जो इस टेक्नोलॉजी को हैंडल करती है वो अपना ऑफिस भारत में सेटअप करे। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फॉर एग्जांपल ट्विटर है ना, ये पेरेंट कंपनी इसकी कहां पर है आपका अमेरिका में है, अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो अगर उसको इंडिया में ऑपरेट करना है तो फिर वो इंडिया में अपना ऑफिस जरूर सेटअप करनी होगी। एंड
तीसरा है आपका स्टेट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपका तैयार किया जाएगा ऑन द लाइन्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये बेसिकली रेगुलेट करेगी जो भी कंटेंट्स हैं ऑन सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको, ठीक है। एंड जो कमिटी है उन्होंने सपोर्ट भी किया है कंट्रोवर्शियल एक्सेप्शन क्लॉज को। कंट्रोवर्शियल एक्सेप्शन क्लॉज यहां पर एक कंसर्न रेज होता है, यही आपका क्रिटिकल एनालिसिस में एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका एक्सेप्शन क्लॉज डाला गया इसके तहत क्या है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है यानी कि वैसे एजेंसी विच इज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट वो या उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम ऑल दीज प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी कि जो भी ये प्रोविजंस हमने डिस्कस किया है ना वो प्रोविजंस गवर्नमेंट की एजेंसी पर लागू नहीं होंगी अगर कोई पब्लिक ऑर्डर या फिर सॉवरेनिटी या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स के मैटर पर कुछ इश्यूज आती है। कहने का मतलब ये है कि ये अनक्वालिफाइड पावर देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब पैरामीटर्स के आधार पर आपके पर्सनल डाटा को एसेस कर सकती है। कहने का मतलब ये है पब्लिक ऑर्डर के नाम पर आपका पर्सनल डाटा बोलेगा कि हम एसेस करेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स इन सब के ग्राउंड पर आपका डाटा को एसेस किया जा सकता है। दैट्स व्हाई ऑपोजिशन ने इस इश्यू पर डिसेंट यानी कि असहमति जताई थी, बिकॉज इट गिव्स अनक्वालिफाइड पावर टू द गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्टेड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यानी कि जो भी एग्जेम्पशन दी जा रही है अंडर द बिल टू द गवर्नमेंट एक आपका पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होने चाहिए यानी कि पार्लियामेंट की निगरानी होने चाहिए सो दैट गवर्नमेंट भी इसका गलत उपयोग न कर सके, बिकॉज अल्टीमेट एम इज वॉट पर्सनल डाटा जो हमारे हैं उसको सिक्योर किया जाए। तो अगर गवर्नमेंट को यूटिलाइज करनी है ये डाटा तो फिर एक मैकेनिज्म हो, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट से परमिशन ले लिया जाए सो दैट ये डाटा आपका यूटिलाइज हो, तब जाके आपका यूटिलाइज हो, ना कि आपका विदाउट परमिशन आपका डाटा यूटिलाइज हो। तो ऐसे कंसर्न्स रेज किए गए थे। सो इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आंध्र प्रदेश असेंबली पासेस बिल टू रिपील एक्ट इंटेंडिंग थ्री कैपिटल फॉर द स्टेट। बहुत समय से एक दो साल से ये चर्चा आप सुन रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश में तीन कैपिटल बनाने की संभावनाएं आ रही हैं, बिकॉज जो वहां के सीएम हैं उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाने का प्रयास किया था जहां पर तीन लोकेशन जैसे विशाखापट्टनम आम्रवती कुरनूल तीन कैपिटल बनाए जाने की बात थी। विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो, आम्रवती में लेजिस्लेटिव कैपिटल हो, कुरनूल में जुडिशियरी कैपिटल हो यानी कुरनूल में जुडिशियरी बैठे। तो ये आपका कैपिटल बनाने का जो मैटर था वो चल रहा था। तो अब जो है इस मैटर को शांत कर दिया गया है बिकॉज आंध्र प्रदेश असेंबली ने बिल पास कर दी कि अब ये तीन कैपिटल बनाने का जो हमारा एम था अभी हम इसे नहीं फुलफिल करेंगे, हम बाद में कंप्रिहेंसिव प्लान लाएंगे वेरियस स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करने के बाद, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो अगर हम बात करें सिलेबस की पहले तो सिलेबस देख सकते हैं हम, ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 4 है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, इसमें कवर होगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिस बिल को लाने की बात कही गई वो बिल का नाम है आपका आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन रिपील बिल 2021। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो एम था सीएम का अब इस बिल के माध्यम से इसको रिपील किया जाएगा एंड ये 2020 के एक्ट को रिपील करेगा जो कहीं ना कहीं थ्री कैपिटल्स प्लान बनाने की बात थी आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से लोकेशन पर बनाने की बात थी हमने डिस्कस भी किया। अब स्टेट फर्दर कंसल्टेशन करेगा वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ फिर से सो दैट सुटेबल लेजिस्लेशन लाया जा सके इन द फ्यूचर जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को एड्रेस करे एंड उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन का जो एम है वो कंटिन्यू किया जाए। एंड बेसिकली ये डिसेंट्रलाइजेशन या फिर तीन कैपिटल लाने का आइडिया आया कहां से, तो जो आपके अमरावती रीजन में
फार्मर्स थे वो लंबे समय से फाइट कर रहे थे कि तीन कैपिटल्स लाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना। दैट्स वाई ये अब फार्मर्स की इश्यू बन गई थी। तो फार्मर्स की इश्यू बन गई तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े। आप देख सकते हो अमरावती रीजन के जो फार्मर्स है वो जो तीन कैपिटल का डिसीजन था उसके खिलाफ फाइट कर रहे थे फॉर 700 डेज नाउ। एंड अब फार्मर्स को ये इश्यू क्यों आई, बिकॉज अगर यहाँ पर आपका कैपिटल विकसित किया जाएगा तो पहली बात तो लैंड एक्विजिशन की जाएगी। अब लैंड एक्विजिशन की जाने का मतलब क्या हुआ कि फार्मर्स के लैंड जाएंगे, या फार्मर्स के लैंड जाएंगे तो उनका जो लाइवलीहुड है वो प्रभावित होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई फार्मर्स का कंसर्न यहाँ पर नजर आ रहा था, एंड इनको डर लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्रॉमिस किया था फार्मर से वो नहीं बिल्ड कर रहे हैं। दैट्स वाई अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्डअप नहीं हो रहा होगा, तो जो उनके प्लॉट्स है उनके वैल्यू में अंडरमाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो ये इश्यू आ रही थी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है वो है आपका आर्गुमेंट्स एंड आपका आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स। क्या है प्रोज एंड कॉन्स? तो अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की, थ्री कैपिटल्स के पॉजिटिव्स की, तो पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होगा? अब ये जो थ्री कैपिटल्स बनेंगी आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज आनी शुरू होंगी, और फिर यहाँ पर आपका अन्य जो कंपनीज हैं वो सब आने शुरू होंगे, बिकॉज ये आपका कैपिटल बन गया है जो गवर्नमेंट ऑफिसेस यहाँ पर स्टेब्लिश होंगी। तो फिर जैसे आपका दिल्ली है ना, दिल्ली में सारे के सारे यूनियन ऑफिसेस मौजूद है, अब वहां पर डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हो गई। उसी प्रकार से अगर एक कैपिटल के बजाय तीन कैपिटल किया जाता तो फिर डेवलपमेंट स्पीड होती, है ना, डेवलपमेंट स्पीड होती। तो ये बेसिक एम था कि जो डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक जगह पर सेंटर्ड ना रहे। दूसरा है आपका फाइनेंशियली इफिशियंट। फाइनेंशियली इफिशियंट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जुडिशरी से रिलेटेड मैटर है तो आप यहाँ पर वो मैटर को काम करवा सकते हो, अगर आपको लेजिस्लेटिव रिलेटेड मैटर है तो यहाँ पर काम करवा सकते हो, अगर आपका ये एग्जीक्यूटिव रिलेटेड मैटर है तो यहाँ पर आप करवा सकते हो। तो एक प्रकार से फाइनेंशियली इफिशियंट होगा, बिकॉज जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कुरनूल में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, विशाखापट्टनम में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इफिशियंट होगा बाय यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अलोंग विथ लार्ज एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने की जरूरत नहीं होगी, दैट कुड इम्पिंज अपॉन द फूड सिक्योरिटी। यानी कि अगर हम एक ही कैपिटल रखे तो पता चला कि वो जो एरिया है वो बढ़ता चला जाता है, तो बढ़ता चला जाता है तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स के लैंड है उनको भी एक्वायर करना पड़ता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका तो इसका मतलब उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट लैंड की नहीं होंगी, तो ऐसे में जो कंसर्न है फार्मर्स के वो भी एड्रेस हो जाएंगे, उनके फूड सिक्योरिटी पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वी हैव द प्लान्ड अर्बनाइजेशन ऑफ मिड साइज्ड सिटीज विथ डिसेंट इकोनॉमी। प्लान्ड अर्बनाइजेशन यानी कि अगर हम अर्बनाइजेशन करना चाहें, प्रॉपर अर्बनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट एज वेल, तो आराम से हो सकेंगी, इकोनॉमीज भी बूस्ट हो सकेंगी उस लोकेशन की। एंड अगर हम बात करें आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द थ्री कैपिटल्स, तो पहली बात तो इट कैन हैम्पर द कोऑर्डिनेशन एमंग द गवर्नमेंट आर्म्स। कहने का मतलब ये है कि अब लेट से कि अब एग्जीक्यूटिव को सेशन अटेंड करना है तो पता चला फ्लाइट पकड़ के वहां जाओ, विशाखापट्टनम जाओ, तब जाके वो सारे के सारे वर्क करो, उनको अलग से होटल में ठहराओ, तो ये सब जो कोस्ट थे वो बढ़ने लगते हैं, है ना। एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होंगी, बिकॉज तीनों आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है ना। खासकर सबसे ज्यादा असर आपका लेजिस्लेटिव एंड जो आपका एग्जीक्यूटिव है उनमें आएगी। एंड लैक ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लिंकिंग द ग्रोथ सेंटर्स। तो वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की कमी है जिसके कारण जो ग्रोथ सेंटर्स है वो लिंक्ड अप नहीं होते। एंड विशाखापट्टनम रीजन इज प्रोन टू साइक्लोन, तो देख लो जियोग्राफिकल फैक्टर से। अब यहाँ पर जो विशाखापट्टनम है ये कोस्टल रीजन है, आपको ही पता है ना। अब साइक्लोन इधर आती रहती है, तो अब साइक्लोन इधर आते रहती है तो आप समझ सकते हो कि सेशन चल रहा है, पता चला साइक्लोन आ गया तो
फिर वो दिक्कतें क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये हमने आर्गुमेंट्स और फेवर डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। अब ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, ये कौन है आप भी जानते होंगे, जो हाउस होल्ड में काम करने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने के लिए या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए। तो ये सब आपके डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्क के लिए बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने फर्स्ट एवर ऑल इंडिया सर्वे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए फ्लैग ऑफ किया कि अब इनके लिए आपका सर्वे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 5, मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बटनमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। इसमें आपके डोमेस्टिक वर्कर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो सर्वे कराने की अनाउंसमेंट हुई है, इसका बेसिक एम वही है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उसका संख्या डिटरमाइन करना, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से राज्य में कैसा है उसको अंडरस्टैंड करना, एज वेल एज फॉर्मल या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को समझना, एज वेल एज अदर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डाटा निकल कर आएगी, इट विल प्लग इन द डाटा गैप, जो डाटा गैप बेसिकली मौजूद है उस डाटा गैप को फिलअप करने में मदद करेगा। साथ ही साथ अब जब डाटा अवेलेबल हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनानी है, तो फिर अब वो और अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी बन सकती है, बिकॉज हमारे पास डाटा की उपलब्धि होगी, सटीक डाटा की, है ना। और आपको पता है डाटा की सटीक उपलब्धता ना होने के कारण पॉलिसी फेल्यूर भी हो जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो आपका सर्वे है, ये पार्ट है एक अम्ब्रेला सर्वे का। इसके तहत 5 ऑल इंडिया सर्वे अंडरटेक की जा रही है लेबर ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स है, अलोंग विथ 4 अदर सर्वेज जो लेबर ब्यूरो कंडक्ट कर रही है। तो अन्य 4 ऑल इंडिया सर्वे कौन कौन सी है, तो माइग्रेट वर्कर के लिए आपका सर्वे चल रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसके लिए सर्वे चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स इसके लिए चल रहा है, एंड द नेक्स्ट इज योर ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये सब चल रहा है। अब बात करते हैं कि जरूरत क्या है हमें ऑल इंडिया सर्वे फॉर डोमेस्टिक वर्कर की। तो डोमेस्टिक वर्कर की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा वर्कर है, कंस्ट्रक्शन में है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका डोमेस्टिक वर्कर्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जगह जगह रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण अब ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो माइग्रेट करती हैं, एंड इसके कारण जो डोमेस्टिक वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है, दैट्स वाई हमें इनके लिए एक अच्छी पॉलिसी लाने की जरूरत है। एंड COVID-19 के कारण आपको पता है डोमेस्टिक वर्कर्स को और ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स जो डोमेस्टिक वर्कर्स कहीं कहीं उनको निकाल दिया गया, आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड अब बात करते हैं क्या क्या इश्यूज डोमेस्टिक वर्कर्स फेस करती है। तो कहा जाता है कि जो आपका डोमेस्टिक वर्कर्स भारत में हैं, उनको अंडर पेड यानी कि प्रॉपर सैलरी उनको नहीं मिलती, ओवर वर्क यानी कि ज़्यादा ज़्यादा काम कराया जाता है, एंड इवन एब्यूज की जाते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ कम्प्रीहेंसिव यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल नेशनल लेजिस्लेशन जो कहीं ना कहीं उनको फेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, डिसेंट वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, बिकॉज अगर लेजिस्लेशन की कमी है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वर्कर्स और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है इन सब सिचुएशंस को फेस करने के लिए, ठीक है। सो ये हमने 5 के 5 आर्टिकल डिस्कस किए, होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फॉर द डिस्कशन।